हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को कैप्शन देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो आज मैं ये अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपना ब्लॉग और आगे जाकर आपको एक एक डिटेल्स दिखाऊंगा, एक एक डिटेल्स बताऊंगा, और आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि मैं थाईलैंड क्यों जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, ये मेरी ट्रिप 3 दिन की रहेगी। आई होप इंशाल्लाह सब अच्छे से रहे। और अभी अभी मैंने बैग पैक कर लिया है और अब बस कैब आती ही होगी मेरी और मैं सीधा जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए, रामपुर से दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो बस थोड़ी देर रह गए और आधा घंटा रह गया मैक्स, तो आधे घंटे बाद मैं चला जाऊंगा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो ज़रूर एंड तक देखना ब्लॉग को और स्किप बिल्कुल मत करना। लव यू। हेलो, तो कैब आ चुकी है और हम चल रहे हैं दिल्ली के लिए, एयरपोर्ट के लिए। तो आप लोगों को मैं अपने मेहमान, अपने भाइयों से मिलवाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे। तो देखिए कौन है हमारे साथ, दामाद जी हमारे। कैसे हैं आप सब लोग? दामाद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बार आए, आप रामपुर आए? रामपुर आए, रामपुर में माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा। नुमान भाई के पापा से मिले, बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। अब हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। अरे अभी नहीं बता रहा, ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। हम लोग अभी सफर में हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और दुआ में याद रखिए आप लोग। आमीन। अब हम मिलाते हैं अपने भाई शान भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो देखिए 3 स्टार इन 1 फ्रेम, ये रहा है भाईजान। हम तीनों लोग, तीनों के ही वीडियोस आप लोग देखते होंगे और आई होप के खूब मज़ा आता है, लोग देखते हैं अच्छे से। अब हम तीनों लोग जहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये तो पता नहीं चलेगा। हाँ लेकिन लेकिन हम जा क्यों रहे हैं ये भी नहीं बताएंगे, क्यों जा रहे हैं। यही सस्पेंस है भाई, यही सस्पेंस है। और फिर वहाँ जाके हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, शॉपिंग करने वाले हैं, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो देखने वाले हैं, कैसे लोग वहाँ जीते हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तीनों भाई यहाँ मौजूद हैं और एक भाई हमारे, एक भाई हैं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम Every guys, ये लेकिन इनकी गाड़ी 80 से ऊपर नहीं भाग रही है। ये बीटी हो रही है, अपनी कार चला रहे हैं भाई। अच्छा भी है, रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। भूख लगी ना बहुत तेज, भूख लगी है, लेकिन कोई भी होटल रेस्टोरेंट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यार अभी कुछ रुक कर देख कर हम खाएंगे, क्योंकि भूख लग रही है, और जहाँ रुकते हैं हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन हमें एयरपोर्ट भी जल्दी से जल्द पहुँचना है, क्योंकि हमारे भाई की फ्लाइट पहले है, ईशान भाई की और मेरी फ्लाइट सेम है, बट इनकी पहले 3 बजे है, राइट? 3 बजे, 3 बजे है, और इनको फिर 3 घंटे पहले पहुँचना भी एयरपोर्ट के अंदर, और इमिग्रेशन भी कराना है यार। जैसे कि आपको पता है दिल्ली के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है यार। तो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन भाई का मुझे बहुत लोड है कि भाई का लोड है, भाई का ख्याल है बहुत ज्यादा कि जल्दी जल्दी पहुंचा भाई, पहुंच जाए किसी तरह। क्योंकि भाई के साथ ऐसा हो गया है कि हम लोग की फ्लाइट तो साथ में ही है, और हम लोग को यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फुकेट पहुंचना है, लेकिन भाई को बैंकॉक जाना है पहले। बैंकॉक फ्लाइट है, हाँ हमारी डायरेक्ट है, हमारी डायरेक्ट है, तो बैंकॉक जाएंगे, उसके बाद दूसरी फ्लाइट से जाएंगे। हाय गाइस, सो अब हम रुके हैं KFC कचरौला के रास्ते में जो पड़ता है, और क्योंकि लगी थी बहुत ज़्यादा भूख तो कुछ खाने के लिए रुके हैं, और अब देने जा रहे हैं हम ऑर्डर। ये होता है क्रिएटर्स का भाई, जब जहाँ क्रिएटर जाते बस शूट एंड वगैरह वगैरह बाबा। सो अब हम ऑर्डर करेंगे, सो आई शो यू क्या लेते कह रहे हैं। सब खाली पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ रमज़ान, और आप सभी को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आई डोंट नो कि मैं ये रमज़ान में ये ब्लॉग अपलोड करूँ या फिर रमज़ान की बात करूँ, बट स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। चले चलिए, तो ये ले लिया है हमने, अब चलते हैं भाई, रास्ते में खाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है फ्लाइट के लिए, फ्लाइट भी पकड़नी है। तो लेट्स गो। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और यहाँ से बैग निकाल रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब, और ये आ गए बैग्स, और ये मेरा आउटफिट दिखाऊंगा आपको चलकर। अब बस अंदर जाएंगे और अभी मेरे दोस्त मिलने आ रहे हैं मुझसे, मेरे भाई, और फिर अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा। मैं थोड़ा फ्रेश होऊंगा, फेस वॉश वगैरह करूँगा, आपको मेरे चेहरे पर दिक्कत लग रहा हो कितना टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं। और ये आ गया हमारा बैग, सो चलें क्या?
चलिए चलते। हाय गाइस, सो अब आ चुके हैं हम बोर्डिंग करके एयरपोर्ट के अंदर, और काफ़ी घंटों बाद, मतलब मैक्स हम 1:30 बजे आए थे आप यहाँ पर एयरपोर्ट पे, 1:30 बजे आए थे और अब बज रहे हैं 4:15 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं सुबह के। और यार इतनी देर लग गई, मेरे पैर में दर्द होने लगा और बैग कैरी किए के बहुत ज़्यादा थक गया। अब ज़्यादा भूख लगी है, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरा फेवरेट है KFC, और KFC का जिंग बर्गर। तो ईशान भाई और मैं अब ऑर्डर किया बर्गर भाई, और अब खाएंगे। तो ये सोच के आए कि हमें वक्त हो आपके पास, अगर आप सोचेंगे कि 1 घंटे 1.5 घंटे में काम हो जाएगा तो भाई पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। और टाइम लगता है, पैरों में दर्द होता होगा आपके भाई, इतना इस कदर दर्द हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता यार। तो मैंने पता है इस जगह बैठ के जब उम्र जा रहा था, तो इसी जगह बैठ के मैंने जिंगर बर्गर मील ऑर्डर किया था, और आज इसी सेम ये टेबल, सेम ये टेबल, और वही सेम ये टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब एंड तक जुड़े रहना, काफ़ी मजा आने वाला है, देखते हैं क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं, और कमेंट में बताना कैसा लग रहा हूँ। सो अल्लाह हाफ़िज़। फाइनली अभी लैंड किया हूँ मैं थाईलैंड, और मैंने अभी लगेज लिया है अपना, इमिग्रेशन कराया, सब कंप्लीट हो गया, और अब जा रहे हैं होटल की तरफ। अब देखना यह है कि होटल के लिए हमें कौन पिकअप करना है, क्योंकि जैसे कि लिखा था उसमें कि पिकअप के लिए आया कोई होगा, तो अभी एग्जिट जाते हैं, बाहर जगह देखते हैं, लेट्स सी कौन आता है कौन नहीं, और ये सब पैकेज आ गए। एंड स्टे ट्यून्ड, और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। लव यू, बाय। फाइनली अब एग्जिट कर चुके हैं हम सभी लोग, और हमारे ये आ गए ईशान भाई, इजाज भाई भी आ गए, अपनी फ्लाइट पे लेट आए, हमारे बाद आए, हमसे पहले गए थे, हमसे बाद आए, और हमने लगेज रख दिया है, और अब ये हमारी बस है जो कि हमें लेकर जाएगी JW मैरियट, और अब हम जा रहे हैं बस में। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ तो, अपने इंडिया से ज़्यादा गर्मी है, लेट्स सी कैसे रहता है, मैं तो जाकर आराम करूँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो ये बस बस, और एक बस ये है, और ये मिलते हैं, और ये दूसरे होटल जाएगी, और ये हमारी दूसरे होटल जाएगी। पानी भूल गया यार कि इन लोगों ने वेलकम हैम्पर दिया है, बस में पता नहीं क्या क्या है, जाकर देखूँगा। जूस है, वाटर बॉटल है, माउथ फ्रेशनर है, फेशियल स्प्रे है, मॉइस्चराइजर, वाइप्स हैं, एंड ये मेरा बॉक्स सन ग्लासेस का, सबको मिला, सबको मिला। तो टाटा। फाइनली अब होटल आ गए हैं, और क्या थके तो नहीं होगी बिल्कुल, सो मैं आपको टूर कराऊंगा अपने रूम का, होटल का, एंड काफ़ी दूर था होटल से, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है, सो ब्यूटीफुल, एज यू कैन सी वाओ, और अ ब्यूटीफुल प्लेस। So, tada, bye bye. Stay tuned, okay? हमें मिल चुकी है, और अब मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। ये देखिए, वाओ, ये रहा रूम हमारा नेक्स्ट 3 डेज के लिए। यह गया वॉशरूम, टॉयल, बाथरूम, जैम्स वगैरह, और ये मैंने अभी आकर रख दिया था आपको दिखाने के लिए, मर गया ये LED जो कि देखता नहीं हूँ मैं,
टीवी बिल्कुल भी, ये बेड, एक इंसान दो बेड क्या फ़ायदा। और ये आ गया हैम्पर, थैंक यू सो मच यार, इतना फेयर प्ले ने इतनी खूबसूरती के साथ स्वागत किया है। कैप है और ये रात को बैठकर खाऊंगा जब क्रेविंग्स होंगी। और ये देखिए, और ये आ गई हमारी सबसे मेन मोस्ट फेवरेट बालकनी। अब आप व्यू देखिए बालकनी का, वाओ वाओ वाओ, तो चलिए फ्रेश होता हूँ मैं और फ्रेश होकर जाता हूँ लंच करने, क्योंकि 15 मिनट्स में लंच ओवर होने वाला है और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और फिर लंच करके सोऊंगा मैं, बिकॉज रात को है पार्टी और पार्टी में करेंगे इंजॉय। ता-दा, बाय, लव यू। सो व्हाट्स अप, अभी सोकर उठा हूँ, मेरा फेस देखकर आप लोगों को लग रही होगा, दिख रहा होगा कितना टायर्ड हूँ, थक चुका हूँ। और अभी अभी मेरे लिए क्या कहूँ, एक कौन सा टाइम का स्नैक्स टाइम कहूँ, ब्रंच कहूँ, डिनर कहूँ, प्री डिनर कहूँ, क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ टाइम पर ऐसे है स्नैक्स ही हैं बेसिकली, इट्स स्नैक्स टाइम। सो ये यार पड़े हुए मेरे कपड़े, मैच पहनूंगा पार्टी के लिए। और ये अभी आया, दो सैंडविचेस हैं, मिल्क, एप्पल जूस एंड फ्रूट्स। सो ये खा कर रेडी होकर फिर हम जाएंगे पार्टी। तब तक नहीं यार, रात का भी हो देखो, क्या ऑसम है भाई, वाओ बहुत सेक्सी भी हो यार, बहुत सेक्सी डेम। सो स्टे ट्यून्ड, लव यू। हाय गाइस, सो मैं रेडी होकर आ गया हूँ और अब मैं अपने यहाँ पर शूट चल रहा है, वीडियो एडिट हो गए हैं, ये हमें इसी टाइम बता देंगे। सो यहाँ पर सब लोगों का शूट चल रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सेक्सी लोकेशन है यार, सी वाओ वो। सो अब यार काफ़ी देर के बाद ढूंढने के बाद हमें वेज ढूंढ रहे हैं, हम वेज मिला है क्योंकि मोस्टली यहाँ पर हलाल नहीं होता है, तो कोई भी नॉन वेज नहीं खाना चाह रहा है। भाई खाओगे नॉन वेज, खाना चाहोगे नॉन वेज बट अजान भाई खाने का क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत भारी। तो सब यार नॉन वेज नहीं खाना चाह रहे हैं और वेज ही ढूँढ रहे हैं, तो अब देखते हैं। ये पास्ता लिया मैंने और वेज बहुत कम है यहाँ पर, एंड मैं वेज ही खाना चाहूँगा यहाँ पर, बिकॉज हलाल नहीं है वो खाना, सब झटके का होगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी डिनो जेम्स का कॉन्सर्ट चल रहा है, हम आए हैं, मुझे डिनो जेम्स ज़्यादा पसंद बिल्कुल नहीं है। और तो अभी बादशाह का आएगा तो बादशाह में जाएंगे। तुम्हारे